छत्तीसगढ़ में राइट टू हेल्थ लागू करने की सरकार की योजना ने तैयारियां शुरू कर दी है। राइट टू हेल्थ लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। सरकार ने इसे यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम नाम दिया है। इस स्कीम को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से खास बातचीत की स्वराज संवाददाता हेमंत शर्मा ने। छत्तीसगढ़ में जल्द ही राइट टू हेल्थ स्कीम शुरू होने जा रहा है। इस संबंध में बातचीत के लिए हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद है। बाबा साहब, थाईलैंड का दौरा आप लोगों ने किया था, स्वास्थ्य सचिव भी आपके साथ गए थे, क्या पूरा योजना बनाई गई थी उस समय और कितनी जल्दी है जो राइट टू हेल्थ स्कीम है वो छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया जाएगा? थाईलैंड में उस समय वैश्विक स्तर की एक सम्मेलन के आयोजन की व्यवस्था थी और पूरे विश्व के विशेषज्ञ थाईलैंड में एकत्रित हो रहे थे, तो हम लोगों ने उस मौके का लाभ लेना चाहा कि विश्व भर के विशेषज्ञों से भी हमारी बात हो जाएगी और थाईलैंड जहां पर यूनिवर्सल हेल्थ केयर लागू है, ये व्यवस्था लागू है, उसको हम देख भी लेंगे। तो ये हम लोग को मौका मिला विशेषज्ञों से भी मिलने का, उनसे परामर्श करने का। विभिन्न देशों के थे, अमेरिका के थे, कनाडा के थे, साउथ अफ्रीका के थे, इंग्लैंड के थे, हमारे देश के स्वयं सचिव महोदय थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ भारत सरकार के, वो भी आए हुए थे, उनसे भी मुलाकात हुई। थाईलैंड के भी जो विशेषज्ञ थे जो पिछले 15-20 साल से उस योजना से जुड़े हुए थे, उनसे भी विचार विमर्श हुआ, उनसे भी चर्चा हुई, फील्ड में जाके कैसे उनने कंप्यूटराइज पूरी व्यवस्था की थी और ग्रामीण क्षेत्र से लेकर जिला स्तर की क्या व्यवस्था बनाई थी, उसको समझने का मौका मिला। आने वाले दिनों में हम लोग देश में भी जहां बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं जिन राज्यों में लागू हैं और चल रही हैं, वहां भी भ्रमण के लिए जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, अन्य जगहों पे जाके उनके अनुभव को भी हम लोग साझा करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ अपने प्रदेश के 5 विकास खंडों में, हर संभाग के 1 विकास खंड में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको हम लोग अति शीघ्र लागू करने जा रहे हैं। निर्णय हो गए हैं, आचार संहिता के चलते ये 2 महीने हम लोग को रुकना पड़ा था, अब आचार संहिता जैसे ही हट गई है वो पायलट प्रोजेक्ट ये 5 विकास खंडों में प्रारंभ हो जाएंगे। किस तरह के पायलट प्रोजेक्ट के लिए क्या रणनीति, 5 संभाग पहले इसमें शामिल है? हाँ, 5-5 संभाग के 1-1 ब्लॉक को लिया गया है। जैसे बस्तर संभाग में बकावन ब्लॉक को लिया गया है, सरगुजा संभाग में लुंड्रा विकासखंड को लिया गया है, तो एक विकासखंड चुना गया है ताकि ऐसा ना हो कि एक साथ सब कुछ काम करने में दिशाहीनता भी हो जाए और गलतियां भी ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पर लागू करके क्या अनुभव हमको प्रदेश के 5 संभागों से हमको मिलता है, उस आधार पे फिर शेष समस्त विकास खंडों को मेरी मंशा है एक साथ लेने की। अधिकारी कहते धीरे चलो, मैं कहता हूँ जल्दी है, लोगों को जल्दी राहत पहुंचानी है, धीरे नहीं, तो उनको लगता है गलती ना हो इसलिए फूक फूक के कदम रखो, और मुझे लगता है कि कदम जरूर सोच समझ के रखो लेकिन जल्दी जल्दी बढ़ाने हैं कदम। तो इसी कश्मकश में और इसी व्यवस्था में हम लोग तालमेल से अच्छे से सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा जहां पर राइट टू हेल्थ स्कीम लागू होगा, इसके लिए तैयारियां भरपूर स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है और जल्द ही पायलट जो प्रोजेक्ट है वो छत्तीसगढ़ में लागू हो जाएगा। कैमरामैन राहुल के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस। 20 लाख ईवीएम के गए